हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन लेक्चर सीरीज बाय फरहान ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी, एंड मोस्टली साइंस स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट बायो होता है। सो, क्या आप जानते हो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? वेल, बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो बायोलॉजी इज अबाउट इन डिटेल स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन डिटेल स्टडी का मतलब ये होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी हम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये बात करूँ कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलावा यहाँ पर हम डेड ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉसिल स्टडी की जाती है, तो ये बात गलत नहीं होगी। फॉसिल्स क्या है? ये कुछ ट्रेस पार्ट्स होते हैं या रिमेनिंग पार्ट होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के जो लाखों साल पहले अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे। तो फॉसिल स्टडी करके हमें ये समझ में आता है कि वो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, उनकी हैबिट्स कैसी रही होगी। सो दीज ऑल स्टडीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन बायोलॉजी। सो बायोलॉजी इज अ वेरी वास्ट फील्ड और इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। हम वो कुछ ब्रांचेस देखेंगे जो आने वाले कुछ 2 सालों में आप पढ़ने वाले हो, जैसे कि सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज बेसिकली ऑल अबाउट सेल्स। तो आप सेल का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, उनकी फंक्शनिंग पढ़ते हो, वो किस तरीके से डिवाइड होते हैं, वो सारी चीज़ें हम सेल बायो में पढ़ते हैं। देन कम्स जेनेटिक्स, जहाँ पर हम जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो जीन्स है ये किस पैटर्न के तहत वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होते हैं। देन कम्स एनाटमी, जहाँ पर हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट है या एनिमल है, उसकी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें हम एनाटमी में पढ़ते हैं। और फिर आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि एक बहुत एडवांस्ड फील्ड है, जहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल पे आप ये स्टडी करते हो कि जो सेल्स में बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है और ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं इकोलॉजी, जहाँ पर बेसिकली हम ये देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनको हम बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं, ये अपने आसपास की एनवायरनमेंट में जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनके साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं। प्लस इकोलॉजी में थोड़ा सा पार्ट हम एनवायरनमेंट के बारे में भी पढ़ते हैं। फिर आती है डाइवर्सिटी, जहाँ पर हम वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी ग्रुपिंग्स कैसी की गई है, क्लासिफिकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम डाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। फिर आता है एवोल्यूशन, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि अर्थ पे जो सबसे पहली लाइफ फॉर्म हुई थी वो कैसे हुई थी, और वो जो सिंपल लाइफ फॉर्म था वो कैसे इवॉल्व होके इतना कॉम्प्लेक्स बना। अपार्ट फ्रॉम दीज, वी ऑल्सो हैव वेरी एडवांस्ड fields in biology, which include biotechnology, biophysics, biochemistry. So, अगर हम roughly बात करें तो जो भी branches आप left hand side पे देख रहे हो, इनमें microscopic level पे study की जाती है, और जो आप right hand side पे देख रहे हो, mostly यहाँ पर macroscopic level पे study की जाती है. So, out of all these branches, मेरी जो favorite field है, वो है cell biology. Cell biology takes you into the tiny world of a cell. So, on that note, let's begin our journey into the amazing world of cell. So, let us begin our journey into the world of cell through this chapter called as Cell, the Unit of Life, जो NCERT में दिया हुआ है और 11th standard textbook जो है महाराष्ट्र बोर्ड की बायोलॉजी की, उसमें under the naming Cell Structure and Organization ये chapter है. So, स्क्रीन पे जो आप इमेजेस देख रहे हो, ये ह्यूमन सेल्स की इमेजेस हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के थ्रू जनरेट किया गया है। सो आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस कर गई है कि हम इतना माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को भी इतनी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, एंड दैट इज, व्हाट इज अ सेल? आई एम सो श्योर कि मोस्टली लोग आंसर करेंगे कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि डेफिनेशन अपने आप में बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि किसी चीज़ को अगर हम कहते हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है या ये बेसिक फंक्शनल यूनिट है, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, हो सकता है कुछ लोगों को इसको समझाने में थोड़ी सी दिक्कत आए। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जिससे आपको ये डेफिनेशन क्लियरली समझ जाएगा। सो ये एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। कंसिडर कीजिए कि कोई घर है, तो ये जो घर है ये ऑब्वियसली बहुत अलग अलग जो रूम्स होंगे इनको जोड़कर बनाया गया है।
और अगर हम इसमें कोई भी एक सिंगल रूम की बात कर लेते हैं, तो वो एक सिंगल रूम जो होता है चार दीवारों को ज्वाइन करके बनाया जाता है। और अगर हम एक सिंगल वॉल की बात करेंगे यहाँ पर, तो वो एक सिंगल वॉल जो है बहुत सारे ब्रिक्स को ज्वाइन करके बनाई गई होती है। तो इस केस में इस बड़े से हाउस का अगर मैं बोलूं कि सबसे स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्या है, तो वो होगा एक ब्रिक। तो बहुत सारी ब्रिक्स जब जुड़ती हैं तब जाके इतना बड़ा हाउस बनता है। तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट यहाँ पर क्या हो गया, ब्रिक हो गया। अब वैसे ही ह्यूमन बॉडी के लिए अगर हम कंसिडर करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को जोड़कर बनाई गई है। और इन ऑर्गन सिस्टम्स में बेसिकली बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो जुड़कर इन ऑर्गन सिस्टम्स को बनाते हैं। और अगर मैं एक सिंगल ऑर्गन की बात करती हूँ, तो वो टिश्यूज़ को जोड़कर बनाया गया होता है। और अगर हम एक टिश्यू की बात करते हैं, तो वो बहुत सारे सेल्स को जोड़कर बनाया जाता है। यानी कि ये हुआ कि सेल जो हुआ वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होगा फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसका सबसे बेसिक एलिमेंट, जो बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, वो सेल होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट वेयर वी विल डिस्कस व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जिंदा रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, कुछ जेनेटिक फंक्शंस है, ग्रोथ है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो है, ये सारे फंक्शंस जो है, ये सेल्स परफॉर्म करते हैं। अगर आप रेस्पिरेशन की बात करोगे, तो रेस्पिरेशन ये नहीं होता कि ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, लेकिन वहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है। और ये एनर्जी जनरेट करने का काम जो है वो सेल के अंदर किया जाता है। सो दैट इज़ वाई सेल इज कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि यहाँ पर जो भी फंक्शंस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं वो सेल्स परफॉर्म कर रहे हैं। सो आप ये तो समझ गए होंगे कि सेल्स क्या होते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल्स। इसके लिए हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना होगा, ज़्यादा नहीं, बस अराउंड 16th century। सो देर वॉज अ पर्सन कॉल्ड एज रॉबर्ट हुक। इनके पास एक माइक्रोस्कोप था जिसका पावर था, मैग्निफिकेशन पावर 9x का था। सो उसके अंडर ये बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व किया करते थे। और वन फाइन डे ही टुक अ स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है, जो वाइन बॉटल्स होती है उसके ऊपर जो स्टॉपर होता है वो, उसे हम कॉर्क कहते हैं। और ये जो कॉर्क है ये बार्क ऑफ द ट्री से बनता है। एंड रॉबर्ट हुक वॉज वेरी अमेज्ड कि हमेशा इस कॉर्क को हम ट्री के बार्क से ही क्यों बनाते हैं। सो इन्होंने उस कॉर्क का एक छोटा सा स्लाइस लिया, पतला सा स्लाइस लिया, और उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। एंड वॉट ही फाउंड आउट वॉज कि इस कॉर्क का स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल हनी कोम्ब की तरह है, और ये कुछ छोटे छोटे यूनिट्स से जुड़कर बना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सर्कल जो दिख रहा है। सो इन्होंने उन छोटे छोटे यूनिट्स का नाम रखा सेल। क्या आप ये बात जानते हो कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखे थे कॉर्क के, वो एक्चुअली डेड थे, क्योंकि कॉर्क जिस लेयर से बनता है बार्क के वो डेड होता है। सो टेक्निकली उन्होंने डेड सेल्स देखे थे। नाउ द क्वेश्चन इज, पहला लाइव सेल किसने देखा था? एंड द आंसर इज एंटन वैन लीवेनहॉक। एंटन वैन लीवेनहॉक ने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था, जो कि आप देख सकते हो कि उन्होंने इस पिक्चर में हाथ में पकड़ रखा है। और इस माइक्रोस्कोप से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे कि स्पर्म्स ऑब्जर्व किए, और यहाँ तक कि उन्होंने डेंटल स्क्रेपिंग्स को भी माइक्रोस्कोप के अंडर रख के देखा। और उन्होंने एक ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर लिया और उसको भी माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज जब उन्होंने देखा कि इस ड्रॉप ऑफ वाटर में कुछ ऐसी टाइनी चीज़ें हैं जो टू एंड फ्रो मूव कर रही हैं। तो उन्हें लगा हो सकता है कि ये बहुत टाइनी एनिमल्स हैं, और उन्होंने इनको नाम दे दिया एनिमैक्यूल्स। वेल, एंटन वैन लीवेनहॉक को उस टाइम नहीं पता था कि वो एक्चुअली कुछ बैक्टीरिया और एल्गी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ये डिस्कवरीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यहाँ से माइक्रोस्कोपी और आगे बढ़ी और हमारी जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ सेल स्टार्ट हुई। एंड वी गॉट टू नो मोर अबाउट द स्ट्रक्चर दैट मेक्स अप द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो विद अ स्मॉल डोज ऑफ नॉलेज बूस्टर। क्या आप जानते हो कि सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था? द आंसर इज ज़ेकेरियस जेनसन इन द ईयर 1590। इन्होंने सबसे पहला सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया था। लर्निंग।